ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के संवाद कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात होगी कारोबारी सुरजीत सिंह से, जो एक व्यवसायी के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी अग्रसर रहते हैं। वे मुंबई सनातन सेना के प्रमुख और करनी सेना से जुड़े हैं। फिल्मों के निर्माण से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक सुरजीत सिंह की सक्रियता है। प्रातःकाल लाइव के लिए सीमा पारिक के साथ संवाद के दौरान सुजीत ने बताया कि वे पिछले कुछ सालों से जननायक अवार्ड समारोह करके तमाम लोगों को सम्मानित करते रहे हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे 2023 में भी ये अवार्ड समारोह करने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में मैं सीमा पारिक आप सभी का स्वागत करती हूं। आज प्रातःकाल लाइव स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सुरजीत सिंह जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और सनातन सेना के प्रमुख भी है। बहुत कम उम्र में आज मुंबई में सुरजीत सिंह जी ने अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आइए उस नाम और उस पहचान के पीछे उनका क्या क्या स्ट्रगल रहा ये आज जानते हैं, उनके सक्सेस की कहानी उन्हीं की जुबानी। सुरजीत सिंह जी, प्रातःकाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से बिलोंग करता हूँ। जो है मुंबई मेरा आना 2007 में हुआ। 2007 से आज तक हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे बिजनेस में। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए जो है, यहाँ पे विदेशों में भी किया जो है हम लोगों ने। मेरा एक्चुअली बिजनेस फील्ड जो है एंटरटेनमेंट रहा। मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे काम किए, मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर जो है बहुत सारे काम किए। रही बात सामाजिक कार्यकर्ता होने का, धीरे धीरे 2018 से रुझान बना हमें कि नहीं कुछ सोशल किया जाए बिजनेस के अलावा जो है, क्योंकि बिजनेस स्थिर हो चुका था पूरी तरह जो है, चल रहा था अच्छा। तो ये हुआ कि 2018 से शुरुआत हुई मेरी, और मैं 2018 लास्ट में मैं जुड़ा एक देश के सबसे बड़े संगठन करनी सेना से, उससे जुड़ा मैंने और उससे बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। उसी समय 2019 में एक दौर चल रहा था ये एडल्ट वेब सीरीज का, जिसपे हमने करनी सेना की तरफ से हमने कई जगह शूटिंग मुंबई में बंद कराई, बहुत सारी चीजें। फिर उसी बीच में प्रकाश झा की एक सीरीज आई थी आश्रम, जिसको लेके भी हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, रोका उसको, रुकी जो है। फिर अचानक जो है उन सब चीजों को लेके फिर ये हुआ कि धर्म के प्रति हमेशा जो है इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करके पब्लिसिटी ली जाती है जी। तो अब क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी जुड़ा हुआ था, तो मुझे यहाँ की बारीकियां मालूम थी क्या है कैसे। फिर हमने 2021 में एक संगठन बनाया सनातन सेना जी, जो एक्चुअल हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, कहीं पे भी कुछ भी हो हिंदुत्व को लेके काम। तो ये जो सनातन सेना है ये सिर्फ मुंबई में ही एक्टिव है या फिर पूरे देश में एक्टिव हो रही है? जी, देश पूरे देश में है। हम अभी इस समय तक 6 स्टेट में है और 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं पूरे देश में जो है इस समय। और इस समय हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, मतलब धर्मांतरण से लेके और हिंदुत्व में जो है, जो चीजें हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में, यहाँ तक कि जो पुराने प्राचीन मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार सरकार भी नहीं करवा पा रही है, कि बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में ऐसे मंदिर हैं जहाँ सरकार ध्यान नहीं जाता, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं जो है काम। तो आप एक बिजनेसमैन भी हैं और अभी आपने बताया कि सनातन सेना के आप प्रमुख हैं मुंबई के, और सामाजिक गतिविधियां भी आपकी बड़े जोरों शोरों से शुरू है। तो अपने बिजनेस के बारे में बताइए और फिर बिजनेसमैन सामाजिक सेवा में कैसे आए इसके बारे में दर्शकों को बताइए। बिजनेस में मैं बताया आपको जैसे कि शुरू में कि मैं 2007 में मुंबई आया। फिल्म इंडस्ट्री स्टार्टिंग मेरा जो बिजनेस रहा वो फिल्म इंडस्ट्री का। 2001 में हमने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया जो है। तो फिल्म इंडस्ट्री में ये क्या करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग पहले स्टार्टिंग में मेकिंग का काम शुरू किया हम लोगों ने, मेकिंग के बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए। 2007 में मुंबई आके फिर हम लोगों ने एक म्यूजिक कंपनी शुरुआत की। 2,500 कॉपी हमने म्यूजिक एल्बम्स जो है रिलीज किए, डॉक म्यूजिक के नाम से हमारी कंपनी थी। फिर उससे ही समय दौर आ गया यूट्यूब का, फिर हम लोगों ने कंपनी शट डाउन कर दी। फिर ये हुआ कि कुछ करना चाहिए, फिर हम लोगों ने एक आध्यात्मिक चैनल सिद्धि टेलीविजन हमने लॉन्च किया जो है 2016 में।
तो वो क्या मुंबई में ही लॉन्च किया था? वो हर जगह केबल नेटवर्क पे हर जगह था जो है, 2-3 साल चलाया हम लोगों ने उसको, अगर नहीं हम लोग को रिस्पॉन्स सही मन नहीं आया जो है, क्योंकि इंटरटेनमेंट सेक्टर में हम लोग फिल्म मेकिंग या एल्बम से सब में थे, मगर टेलीविजन इंडस्ट्री में उतरने पर समझ में आया कि बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ हम नहीं सर्वाइव कर सकते, तो हम लोगों ने उसको शट डाउन किया चैनल को। फिर 2019 में OTT का बड़ा अच्छा क्रेज आया था मार्केट में, तो 2019 में हमने सोचा कि अब कुछ हम लोग डिजिटल में आते हैं, तो डिजिटल में हम लोगों ने 2019 में प्लान किया कि एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं। ये हुआ कि OTT इंडिया के अंदर लॉन्च करके हम इतने सब्सक्राइबर इकट्ठा नहीं कर सकते, फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हमारी जो टीम है कि हम सिंगापुर से ऑपरेट करेंगे ओवरसीज, इंडिया के बाहर भी ओवरसीज की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया के कंट्री पूरे विश्व में जाते हैं। फिर हम लोगों ने 2019 में सिंगापुर में कंपनी रजिस्टर्ड की, कंपनी शुरू किया जी। फिर उसके 2020 में तो आपको पता है लॉकडाउन हो गया जी। फिर हम लोग 2 साल तक कंपनी शट डाउन करके रखा रहा, मतलब काम नहीं कर पाए हम लोग उस लेवल में जो लेवल चाहिए था हमें जी। अभी पिछले 8-10 महीने से वापिस काम शुरू हुआ है अच्छे लेवल पे, कर रहे हैं, संघर्ष रहा बहुत 20 सालों में, बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आए, बहुत कुछ हुआ, मगर कहते हैं ना संघर्ष करते रहिए आप जो है तो एक मैं कहूँ कि बिजनेसमैन हो जी। तो ये सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, एक बिजनेसमैन सामाजिक कार्य करने के लिए कैसे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, उसके बारे में मुझे देखिए क्या है ना कि शुरू से ही जो मेरा सर्कल रहा जो है वो मैं जिनके बीच में उठता बैठता था वो हमेशा वो मेरी उम्र से 10 साल 15 साल 20 साल बड़े होते थे जी। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा उनसे ही मिली। अच्छा कुछ पारिवारिक संस्कार भी होते हैं, बहुत सारी चीजें परिवार से भी मिलती हैं। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, आपके परिवार में क्या कोई राजनीतिक क्षेत्र से वास्ता है किसी का? नहीं, मेरे परिवार से राजनीति से कोई नहीं है जो है, सिर्फ मैं ही एक ऐसा इकलौता इंसान हूँ जो राजनीति में हो, दूसरा मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने क्षेत्र में आसपास में जिसने पहली बार बिजनेस शुरू किया दूसरी कंट्री में विदेश में। आपका सामाजिक कार्य तो हम देख ही रहे हैं लगातार, जो सेवा कार्य है, साथ में हम ये भी देखते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का आपका उद्देश्य क्या है? आने वाले कुछ सालों में आप राजनीति के अंदर कदम रखने वाले हैं या फिर जनता का सेवक बनकर ही सामाजिक कार्य करने वाले हैं या एक राजनीतिज्ञ के रूप में आप आगे खुद को देख रहे हैं? देखिए क्या है ना कि राजनीति तो सबको अच्छी लगती है जी। और अभी तक कोई विचार नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का या किसी राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने का। जो इस समय जो हम लोग संगठन के थ्रू जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उससे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम सारे पार्टियों से मिलते जुलते रहते हैं। अब लोगों की समस्या, आज देखिए आज हम नेता बनते हैं क्यों बनते हैं कि हम कभी किसी की समस्याएं हो उसको दूर करें, पर आज का जो पैटर्न चल रहा है कि आप अगर किसी दूसरे इस दल से हैं तो उस दल के आदमी से आप बात नहीं कर मिल नहीं सकते, आप वो आपका काम उसकी सत्ता आई तो वो आपका काम नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि हम संगठन से ही रहें, संगठन के थ्रू जो है समाज सेवा करते रहें, और अच्छा है कि रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता से मुलाकात होती रहती है। लोगों को यही लगता है कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मगर अभी ऐसा कुछ है नहीं, राजनीति में जाने का भी कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, बाकी फ्यूचर आगे देखा जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आज तो आप सामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं जो भी उद्देश्य हो उसके पीछे, आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, एक समाज कार्यकर्ता समाज सेवक के रूप में या एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में? देखिए जो अभी जिस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं हिंदुत्व को लेके काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अगर कभी ऊपर वाले ने मौका दिया उस लेवल का तो मैं चाहूंगा कि मैं हिंदुत्व के नाम पे एक बड़ा चेहरा उभरू प्रदेश में और लोग फॉलो करके हिंदुत्व के लिए कुछ करें जी। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में। अभी आप अपना एक, मैंने सुना है ऐसा कहीं से कि जननायक अवार्ड कर इस अवार्ड के बारे में काफी चर्चा हो रही है मुंबई में, इस जननायक अवार्ड के बारे में बताइए। देखिए हमने बताया जैसे आपको कि 2021 में जब हमने अपना संगठन सनातन चैनल रजिस्टर्ड किया तो उसी समय हमने डिसाइड किया कि हम संगठन तरफ से हर साल अवार्ड करेंगे जिसमें हर क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र से लोग हैं, अलग अलग मीडिया लोग, पुलिस हो,
राजनीति से हो और सोशल से हो, कहीं से भी हो, हम वहाँ के हर लोगों को सम्मानित करें जिन्होंने एक साल के अंदर, उस सन के अंदर जिन्होंने समाज के लिए बढ़िया काम किया है और जो एक मिसाल है, जिनसे प्रेरित होकर लोग जो है काम कर रहे हैं उनको देख के। तो पिछले साल 2021 में किया था, 2022 में करना था मगर थोड़ा डिले हुआ, 2022 का अवार्ड 2023 में हम लोग जनवरी में कर रहे हैं। इस बार हम लोग इसमें कुछ नगर सेवक, कुछ सोशल वर्कर, कुछ बिजनेसमैन जिन्होंने कोविड में मदद की, कोविड के बाद भी अभी भी लोगों की मदद कर रहे हैं वो लोग, तो हम लोग उनको सम्मानित करते हैं जी। इस बार बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, गवर्नर्स भी हैं जो है, बाहर के भी गवर्नर हैं, हो सकता है महाराष्ट्र के भी गवर्नर रहे हमारे साथ जो है जी। तो ये कार्यक्रम जो है जनवरी में है और इस बार ये कार्यक्रम एक अच्छा मैसेज देगा उन सोशल वर्क जो सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है उनके लिए कि आप करिए, अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे तो लोग जो संगठन है वो तो सम्मानित करेगा आपको, प्लस सरकार भी आपको सम्मानित करेगी और आप एक सच्चे जननायक बन के जो है लोगों के बीच में ख्याति प्राप्त करेंगे। तो ये जननायक अवार्ड आप कह रहे हैं कि ये सालों साल हर साल कंटिन्यू रहेगा, ऐसी आपकी प्लानिंग है। अभी मुझे आप ये बताइए कि अभी जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक गतिविधियां या जो हलचल राजनीतिक चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो इस समय पिछले 4-5 महीनों में जो उथल-पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है, इससे ना इस प्रदेश का जो है महाराष्ट्र का विकास तो असंभव है जी। यहाँ लोग खुद अपने आप को सत्ता में रखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इससे क्या है ना कि जो डेवलपमेंट है इस स्टेट का वो नहीं हो पा रहा है जी। लोग ना सिर्फ जो है उलझे हुए हैं जी। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई, समाज सेवकों के लिए भी, वो ये पार्टी पकड़ने पर मतलब नहीं है। यहाँ के नेताओं को भी चाहिए, जो भी नेता है जिनकी जिम्मेदारियां हैं महाराष्ट्र के प्रति, वो काम करें। राजनीति तो ठीक है, हर आदमी सत्ता चाहिए, हर आदमी को पावर चाहिए, मगर पावर के साथ जो इन लोग के स्टेटमेंट डेली आते हैं इस तरह का, एक दूसरे को गालियां देना, आज आप सत्ता में कल वो सत्ता में आएंगे, एक दूसरे का उससे क्या गलत प्रभाव जाता है लोगों के बीच में। तो मैं तो यही चाहूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो भी रहे, जो भी प्रेजेंट में है, जो इसके पहले थी या जो इसके बाद आए, कि स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करें। आज भी बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे, आप तो पत्रकारिता क्षेत्र से हैं, आप लोग डेवलपमेंट के नाम पे जीरो जब इलेक्शन आता है तो पता नहीं कैसा डेवलपमेंट इतना दिखता है कि लगता है कि मुंबई से ज्यादा काम तो कहीं होता ही नहीं, फिर गायब हो जाते हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रदेश बढ़ेगा तो अच्छा कुछ होगा। बीच में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चल रहा था, उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अटकलें हुई, बहुत सारे रीजनल जो पहले भोजपुरी जितनी फिल्में थी उनकी सारा यहीं से अपडेट होता था, मगर फिर ऐसा हो गया कि भोजपुरी का पूरा सेटअप उत्तर प्रदेश हो गया, अब लोग वहीं मेकिंग करते हैं, वहीं एडिट करते हैं, सब इक्विपमेंट वहां उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं मुंबई को, महाराष्ट्र को नुकसान तो हो रहा है बिजनेस सेक्टर में। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत आज की बात के 20 साल पहले कोलकाता का जो हश्र हुआ वो महाराष्ट्र का ना हो, ये यहाँ के नेताओं को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर यहाँ के बिजनेसमैन को बिजनेस में बेनिफिट नहीं मिलेगा, सरकार से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो जो जहाँ का बड़ा बिजनेसमैन होगा, जिस प्रदेश का भी हो, कोई कर्नाटक का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई बिहार का होगा, अगर वो सफल है यहाँ पे तो अपना बिजनेस आराम से सेटअप कर लेगा जो अपने स्टेट में, फिर बचेगा क्या यहाँ पे। तो ये सब चीजों को इन लोगों को समझना चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात हो गई कि पिछले 2-3 सालों में ये प्रांतवाद वाला मैटर खत्म हो गया महाराष्ट्र से, ये बहुत अच्छा हुआ जो है। तो बस कुछ अच्छा होना चाहिए, आप लोग के माध्यम से भी चाहिए कि आप लोग तो मीडिया के चेहरे हैं, आप लोग बार बार टेबल इस सब मुद्दों को उठाना चाहिए आपको, कि इस तरह की जो है जो होता है ना, एक दूसरे को गालियां देना, सब नेताओं को शोभा देते हैं, हम उनको अपना जननायक मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं जी, हम उन्हीं नेताओं को फॉलो करते हैं। अगर वो नेता ही इस तरह की बातें करेगा तो हम पे क्या असर, हम क्या बात करेंगे जी। समाज सेवा और राजनीति, इन दोनों में क्या समानताएं आप देखते हैं? देखिए, समाज सेवा जो है, जैसे एक समाज सेवी होता है और एक राजनेता, समाज सेवी को ना कुछ लालच नहीं रहता, न किसी पावर का, न किसी चीज का। नेता क्या है, नेता बनते उसको ये लगता है कि मुझे पावर्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए,
पर सोशल वर्कर कुछ नहीं, उसका कोई क्षेत्र नहीं होता, वो जहाँ जिसकी मदद चाहता है वो कर देता है, उसको किसी पूछना नहीं पड़ता। नेता है तो नेता चाहता है कि मेरे ऑफिस में आए, मुझसे मदद मांगे, मेरी इच्छा हुई तो मैं करूंगा, नहीं हुई तो नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपकी हेल्प नहीं करेगा नेता, वाया वाया जाएंगे, उसके किसी व्यक्ति के साथ जाएंगे तो आपकी हेल्प हो सकती है। मगर समाज सेवियों के साथ में ये नहीं है, जो सोशल वर्कर है उनके पास आप किसी के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो आपकी मदद के तुरंत खड़े होते हैं। तो ये समानता है, मैं चाहता है ये समानता जो है ना दोनों में अंतर जो है वो खत्म होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, जो सोशल वर्कर के साथ में वही राजनीति के साथ में होना चाहिए। आपने बताया कि आप सनातन सेना के प्रमुख हैं, करनी सेना से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि सनातन सेना और करनी सेना मिलकर देश सेवा के लिए आपके जरिए क्या काम हो रहे हैं उनके बारे में जरा। मैं तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि करनी सेना से मैं जुड़ा। करनी सेना क्या है ना, देश की इस समय सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, भले उसके कई पार्ट हैं, कई लोग चला रहे हैं। हमने देखा था कि पद्मावत जी फिल्म के विरोध में भी बहुत सारा करनी सेना ने विवाद किया था जी, और जब भी कभी देश में ऐसे मुद्दे होते हैं तो करनी सेना सबसे पहले सामने आती है। नहीं, बहुत बढ़िया पैटर्न है, मतलब काम करने का। मैंने आपको बोला कि करनी सेना के नाम से कई संगठन चल रहे हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह का आज क्या है ना कि जब कहीं कुछ इस तरह का गलत चीजें होती है ना तो संगठन जब सामने आता है ना तो उससे ना थोड़ा सा दबाव पड़ता है शासन प्रशासन दोनों पे जी। तो वो चीजें ना अच्छा है। और रही बात तो हम दोनों समानता सनातन सेना और करनी सेना में, तो मैंने आपको बताया कि मुझसे सबसे ज्यादा प्रेरणा जो है करनी सेना से मिली, ही काम करना चाहिए। समाज सेवा क्या होता है कि आज हमने जब पहली बार शूटिंग रोकी ना, हमें अनुभव नहीं हुआ कि ये होगा जी। मगर जब रोका, जिस तरह उसके कुछ महीनों बाद आईटी एक्ट आया तो हमें लगा कि हमारी बात जो है रखी गई। मगर उसके बीच में क्या कहते हैं ना कि हम लोग क्या क्रेडिट नहीं लिए, क्रेडिट गवर्नमेंट लेने शुरू कर दी, हमने किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि अगर आप लोग सही के लिए भी कर रहे हैं तो इससे प्रशासन का भी विरोध सेना के टुवर्ड्स आता है। होता ही। अभी जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी उस समय बहुत सारे डीसीपी ये पुलिस स्टेशन से कितने फोन आते थे कि आप लोग करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी हम लोगों ने किया। और हमें संतुष्टि है कि हमारा प्रयास जो है सफल रहा। आईटी एक्ट आया उस पे, न तो आप दिन भर देखते थे फालतू फिल्में दिखती थी, बहुत बंद हुआ, एक कंट्रोल हुआ उसमें जी। थोड़ा सा ना सेंसर बोर्ड को गंभीर होना चाहिए ऐसी फिल्मों पे जिसको लेके विवाद होता है। देखिए, सेंसर बोर्ड अगर चाहे तो अगर स्टिक होगा तो इस तरह के भी पठान को लेके हुए, अदर फिल्मों को लेके होती है, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि कोई विरोध हो। लेकिन विरोध करने के बावजूद भी तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तो फिल्में देखने जाते ही हैं, चाहे पठान हो, चाहे पद्मावत हो, कुछ भी हो, तो उसके बारे में क्या बोले। देखिए, क्या है ना कि जब किसी चीज का बहुत ज्यादा विरोध हो, आप कोई भी चीज देख लीजिए, फिल्मों की बात नहीं करता मैं, कोई भी सामान हो, आप कोई चीज यूज कर रहे हो कोई किसी प्रोडक्ट को और उसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है या उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है तो लोग क्या करते हैं, भागते उस तरफ, है क्या देखना है मुझे। जब फिल्म का विरोध हुआ, आजकल क्या है ना, निर्माता जो है वो समझ गए हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक बेवकूफ है, उनको थोड़ा दिखाओ उसको विवाद पैदा करो। अब आप समझिए ना, पहले बोलते थे लोग 100 करोड़ की पब्लिसिटी लगती है, 50 करोड़ पब्लिसिटी लगती है, अब तो उनको 5 करोड़ ही खर्च करना है जी। अब जिन लोगों ने विरोध किया पठान का, उनको हमने देखा, एक सर्वे देखा था किसी न्यूज का, बोलते हैं कि 10 मिलियन एक दिन में हो गए थे उस गाने के लिए, तो पब्लिसिटी किसने दिया। अब अगर मुझे पता है कि उस फिल्म का कुछ निगेटिव पार्ट है तो मैं गाना जरूर देखूंगा ना, तो मेरे जैसे कितने देखेंगे। तो कहीं ना कहीं है, और जो विरोध एक लोग फिल्म का कर रहे हैं, इनको विरोध सेंसर बोर्ड सूचना प्रसारण मंत्रालय करना चाहिए कि तुमने फिल्म को सेंसर किया कैसे। और कहीं ना कहीं अगर अभी क्या है ना, आजकल ना लोग ठीक मिल गया है कि हिंदुत्व का नाम लो, ये लोग चिल्लाएंगे, हमारा बेनिफिट होगा। चीजें हैं, बहुत कुछ है इस पे ध्यान देना चाहिए जो है सेंसर बोर्ड को भी। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में बोलता हूँ कि एक तो जितने संगठन विरोध कर रहे हैं इनको फिल्म इंडस्ट्री बारे में पता नहीं है जी। सिर्फ इनको भगवा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं हिंदुत्व के नाम पे, नहीं, कम से कम आप लीगल जाओ जी। आप पेपर वर्क करो, आपको अगर दिक्कत है ऐसी फिल्मों का, आप एक्शन दायर करो कोर्ट में सेंसर बोर्ड के खिलाफ कि इस तरह की फिल्में, जब भी आप ऐसी कुछ फिल्में आए जिस पे लगे कि आगे चल के देश का माहौल खराब होगा,
उस पे आप जो है एक्शन लीजिए ना, मत करिए सेंसर। आज पद्मावत को लेकर जो हुए जो है, अगर सेंसर बोर्ड चाहता तो नहीं होता, जब उनको मालूम है कि हमारे इतिहास साथ छेड़खानी की गई तो नहीं होता जी। सही, तो बहुत सारी चीजें हैं सर, उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। आज यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप देश के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से किसी बोलता हूँ कि समाज सेवा भी करिए आप, बिजनेस तो करिए करिए, क्योंकि बिजनेस होगा तभी समाज सेवा कर पाएंगे। पैसा जरूरी है, समाज सेवा के लिए पैसा बहुत जरूरी है भाई। आज समाज सेवा कैसे करेंगे? आज वो जमाना खत्म हो गया जब हम कोई घर बनाता था तो आप उसके भैया मैं भी 100 ईंट जो है लाके उठा के रख दे रहा हूँ बनाने का काम, वो खत्म हो गया। आज लोगों की हेल्प से पैसे से हो सकती है जी। किसी को कुछ की जरूरत है तो पैसे, आज अगर कोई बीमार है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे मगर दवा फ्री नहीं मिलेगी, दवा तो आपको करानी है। तो बिजनेस भी करिए आप, अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे तब आप सोशल वर्क समाज सेवा कर सकते हैं। और प्लस समाज सेवा ही करिए, राजनीति में आना फिर राजनीति करिए, दोनों को मिक्सअप मत करिए। क्योंकि क्या है ना, जब दोनों मिक्सअप होता है, सोशल वर्कर जब राजनेता बनता है और बाद में जब एक्टिविटी गड़बड़ होनी शुरू होती है पहले से, तो लोगों का मनोबल टूटता है कि यार सब एक जैसे हैं। दोनों में जो अभी थोड़े पहले आप अंतर बता रही थी, वो अंतर को ही रखिए। समाज सेवक है तो समाज सेवा ही करिए, राजनेता है राजनेता करिए। और राजनेताओं को भी जब भी आप इंटरव्यू लीजिए तो आप भी उनको ये अंतर समझाइए अपने चैनल के माध्यम से। हमारे साथ प्रातःकाल लाइव स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इसी तरह प्रातःकाल लाइव पर देखते रहिए, एक हर हफ्ते एक नए इंटरव्यू एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।